सीबीएसई बोर्ड ने 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ साथ उसने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी अपलोड की है। उसमें से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगले साल यानी कि 2023 में जो भी स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए सिलेबस तो पहले ही बताया जा चुका है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। उनके लिए एक बड़ी खबर ये है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि उनका एग्ज़ाम 2023 में कब से स्टार्ट होगा। तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 15 फरवरी 2023, यानी कि इस बार एग्ज़ाम टाइम पर ही होंगे, जैसे कि पहले 15 फरवरी के आसपास या फिर फरवरी के एंड में स्टार्ट होते थे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि इस बार देखिए सिलेबस भी सारा आ रहा है, टर्म वन टर्म टू डिवाइड नहीं होगा सिलेबस, और आपका एग्ज़ाम भी टाइम पे होगा, इस बार डिले होने वाला नहीं है। 15 फरवरी कहा जा रहा है, अभी तो ये कहा जा रहा है, फ्यूचर में अगर डिले होता है तो उसकी अपडेट तो खैर मिल ही जाएगी, लेकिन अभी तक यही है कि 15 फरवरी 2023 से सीबीएसई बोर्ड मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगा।